हेलो दोस्तों, मैं हूं निया सिंह गोलबर बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बैरिस्टा बाबू की एक्सक्लूसिव अपडेट। जी हां, जहां मैंने आपको कहा था कि राजेश्वरी सचदेव एक तरह से बैरिस्टा बाबू के शो का पार्ट बनने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं विलन के रोल में नजर आने वाली हैं, जहां पर वो बुआ का किरदार निभाते हुए नजर आने वाली हैं बोंदिता का, वही एक और किरदार बहुत जल्दी नजर आने वाला है आपको बैरिस्टर बाबू में, जहां पर इनका जो किरदार होने वाला है, जो ये एक्ट्रेस इस शो के अंदर आने वाली हैं, वो बहुत ही अच्छे रोल के साथ नजर आने वाली हैं, बहुत पॉजिटिव रोल के साथ वो नजर आने वाली हैं। वो कहीं ना कहीं बोंदिता की स्टडीज में समाज की सोच को बदलने में वो बहुत ज्यादा एक तरह से हेल्प करने वाली हैं बोंदिता को। चलिए हम बात करते हैं आखिरकार वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो आपको बहुत जल्द नजर आने वाली हैं बोंदिता की जिंदगी को फिर एक बार सुधारने के लिए। मैं ये कह सकती हूँ बैरिस्टर बाबू की जो एक स्टोरी लाइन है कहीं ना कहीं उसमें जो एक इनका जो किरदार होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करेंगी कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बोंदिता का समाज में रहना और उस चीज़ को बदलने में इनका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। चलिए बता देती हूँ कि आखिरकार वो एक्ट्रेस कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे वो शोज कर चुकी हैं, मैं कह सकती हूँ बहुत पुरानी एक्ट्रेस है वो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सादिया सिद्दीकी की। जी हाँ, सादिया सिद्दीकी जो इससे पहले बालिका बधू बहुत सारे शोज जो वो कर चुकी हैं उसमें वो नजर आ चुकी हैं। वही सादिका सिद्दीकी की अगर मैं बात करूँ तो जब भी कोई रोल वो उठाती हैं, हमने जब उनका पहले इंटरव्यू किया था, वो हमेशा एक बात कहती हैं कि वो एक ऐसा रोल प्ले करना पसंद करती हैं जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं समाज को सोसाइटीज को चेंज करने वाला जो रोल होता है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे बालिका बधू में जब उनका एक किरदार बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वहाँ पर भी वो एक एनजीओ से लड़ने वाली एक औरत दिखाई गई थी जो बाल विवाह को लेकर एक कहीं ना कहीं अपनी मुहिम को चला रही थी। बिल्कुल ये भी शो उसी पे बेस्ड है बैरिस्टर बाबू। हाँ, दोनों की स्टोरीज बहुत ज़्यादा चेंज है क्योंकि यहाँ पे पति उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाल विवाह की पूरी तरह अगेंस्ट है। अगर मैं बालिका बधू की बात करूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, पर जी हाँ, यहाँ पर बैरिस्टर बाबू में वो बोंदिता का पूरी तरह साथ देते हुए नजर आएंगी, उनको स्टडीज करवाएंगी, उसी के साथ वो अनुरोध और बोंदिता की जो एक बहुत अच्छा जो एक रिश्ता बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है वो उसे कैसे संभाल कर रखेंगी, ये सारा जो उनका किरदार है आपको देखने के लिए इस शो के अंदर मिलेगा। तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस रोल को देखने के लिए, प्लीज मेंशन जरूर कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।